बॉलीवुड की 6 सबसे कमाऊ हॉरर फिल्में जिनकी स्टोरी लाइन ने दर्शकों को खूब डराया। भयंकर भूतिया कहानी और कॉमेडी से इम्प्रेस दर्शकों ने दोनों हाथों से फिल्म पर जमकर पैसा बरसाया, जिसमें अब अजय देवगन की फिल्म भी शामिल हो गई है। जी हां, अक्षय से लेकर कार्तिक तक सबने हॉरर फिल्में दी हैं और मोटा पैसा छापा है और सबकी फिल्में कमाई के मामले में इस लिस्ट में शामिल है और इस नंबर पर है अजय देवगन की शैतान भी। तो आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की 6 हॉरर फिल्मों की कमाई आखिर कितनी रही है। नंबर 1 पर है भूल भुलैया 2। जी हां, कार्तिक आर्यन इस हॉरर और भूल भुलैया 2 कोविड के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों से भर भर कर प्यार मिला। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और तब कोविड के बाद ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसने डूबते बॉलीवुड को पार लगाने का काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 185.92 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। नंबर 2, स्त्री। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी इस हॉरर फिल्म स्त्री साल 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जब दर्शकों ने देखा, इसको भर भर कर प्यार दिया और खूब पैसों की बरसात कर दी। ऐसे में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुंध पैसा छापा था। जी हाँ, राजकुमार की स्त्री ने लोगों को इतना डराया और लोगों को डरा डरा कर खूब पैसा कमाया और ये कमाई 130 करोड़ रुपए रही। यही वजह है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने इसके सीक्वल की डिमांड भी शुरू कर दी थी। नंबर 3, शैतान। वेल दोस्तों, जो रीमेक बनाकर भी पैसा छाप ले उसे अजय देवगन कहते हैं। गुजराती फिल्म वश की रीमेक बनाकर अजय देवगन इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं। ऐसे में उनकी शैतान कमाई के मामले में हॉरर फिल्मों के लिस्ट में 3रे नंबर पर आ गई है। दरअसल अजय देवगन की शैतान 8 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 15.21 करोड़ की कमाई की थी। ये आंकड़ा करीब दृश्यम 2 के बराबर था, क्योंकि दृश्यम ने पहले दिन पर 15.31 करोड़ के साथ ओपनिंग ली थी। यही वजह है कि शैतान को लेकर के खूब भयंकर लेवल पर वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है। दर्शक फिल्म को देखने थिएटर पहुंचे और ये फिल्म अभी भी फुल स्पीड से थिएटर में चल रही है, करोड़ों में खेल रही है और अब तक 11 दिनों में अजय देवगन की शैतान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। नंबर 4, राज 3। बिपाशा बसु स्टारर हॉरर फिल्म राज 3 जब रिलीज हुई थी, इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस हॉरर फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पब्लिक की भीड़ जमा हो गई थी। ये साल 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर इस भूतिया फिल्म ने करीब 73 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। नंबर 5 पर है अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया। जी हाँ, अक्षय कुमार की भूल भुलैया को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 6 पर है रागिनी MMS 2। दरअसल सनी लियोनी की हॉरर फिल्म रागिनी MMS 2 को भी साल 2014 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में 46 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मतलब आप बताइए, इन तमाम फिल्मों में से आपने किस भूतिया फिल्म को देख रखी है और सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म आपको पसंद आई थी और क्यों, बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।